नाजरीन मेरा नाम डॉक्टर मुशूद काज़ी है मैं कंसल्टेंट हुई इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अगर आपको इस चैनल पर वीडियोज पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आज का सबसे पहला सवाल है मग़रब मीडिया सेंटर से आई डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैंगज आई लाइक टू शेयर इंफॉर्मेशन विद यू आई नो समन ऑलरेडी वैक्सीनेटेड विद टू एंड ही इज़ इन सफरिंग फ्राम करोना तो दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट Uh, people who have had uh, coronavirus or who have had vaccines can still be infected with coronavirus. Uh, so, uh, like this uh, uh, comment, uh, there are there are lots of people who get infected with coronavirus or they have uh, Sinopharm vaccines or other COVID vaccines, but they do end up. टू दॉपिटल अगेन विद कोविड इन्फेक्शन सो कोविड इन्फेक्शन इज़ रियल इट कैन गेट पीपल कैन गेट इन्फेक्टेड इफ़ they वैक्सीनेटेड और दे ऑलरेडी हैड ए करोना वायरस सिमिलरली नाइन एलेवन सेस मुझे अप्रैल में कोरोना हुआ था और शुक्र है अल्लाह का मसला नहीं हुआ अभी वैक्सीन लगाने का सोच रहा हूं मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन मत लगाए मेरी एज 26 और मैं मैरिड तो अगेन ये काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन और डाउट है कि अगर किसी को करोना हो गया है पहले क्या उसको दोबारा वैक्सीन लगानी चाहिए कि नहीं जैसे कि पहले कमेंट में था कि मगरब मीडिया सेंटर ने मेंशन किया था कि उनके देस समीज ऑलरेडी हैड वैक्सीन देर इन दॉपिटल विरोना वायरस सिमिलरली वो लोग जिनको करोना इन्फेक्शन हो चुका हो चुका है पहले वो उनको दोबारा भी करोना इन्फेक्शन हो सकता है तो इसलिए ज़रूरी है कि इवन दो आपको कोविड इन्फेक्शन हो चुका है आप दोबारा अपने आप को आप अपने आपको आप को वैक्सीनेट कराएं क्योंकि वैक्सीनेशन ही वाद तरीक़ा है जिससे आप कोरोना वायरस को डिफीट कर सकते हैं हम्मा मिर्जा असल सर ब्लड क्लॉट्स बनने की क्या अलामत हैं बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और ये एस्ट्राजेनिका में मोस्टली ब्लड क्लॉट्स बनते हैं तो ब्लड क्लॉट्स की अलाम डिपेंड करेंगी किस पार्ट ऑफ द बॉडी में आपको क्लॉट्स बन रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन में क्लॉट्स बन रहे हैं तो लोगों को शदीद सर दर्द होगा चक्कर आएंगे या उनको उन देखने में धुला बंद नजर आएगा तो इट ऑल डिपेंड्स के किस पार्ट ऑफ द बॉडी में आपके क्लॉट्स बन रहे हैं। अगर दिमाग में है तो हेड एक डिजीनेस और ब्लड विजन और अगर आपके पाओ में आ, या लेग्स में क्लॉट्स बन रहे हैं तो लेग काफ मसल की स्वेलिंग हो जाएगी अगर आपके लंग्स में क्लॉट्स बन रहे हैं तो फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी मोहम्मद अयान सर मैंने मॉडर्ना वैक्सीन लगाई है फर्स्ट ऑगस्ट को बट मुझे फीवर हो गया है तीन दिन थ्री डेज हो गया आ, फीवर नहीं उतरता सर्दी लगती है तो आ, बुखार होना वैक्सीन के बाद इट्स कंसिडर टू बी नॉर्मल माइल्ड साइड इफ़ेक्ट बुखार हो सकता है क्योंकि जब आपको वैक्सीन लगती है तो आपका इम्यून सिस्टम एकदम से एक्टिवेट होता है और एकदम से एक्टिवेट होने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर या हीट अप हो जाती है जिसके आप वजह से आपको फीवर होता है इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिमटमेटिक ट्रीटमेंट है यानी रेगुलर पैरासीटमोल का इस्तेमाल वन थाउजेंड मिलीग्राम्स दिन में चार बार हर छः घंटे बाद आप पैरासीटमोल ले सकते हैं आ, सोराब अब्बासी सर कैन आई ट्रेवल टू केसे टू डोजेज़ ऑफ साइनोफाम विदाउट बूस्टर शॉट बिकॉज बूस्टर शॉट इज़ नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान तो आप बिल्कुल uh, uh, सऊदी अरब uh, में ट्रेवल कर सकते हैं दो डोजेज ऑफ साइनफाम के साथ मगर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मुकीम में एज आवैक्सनेट विज़िटर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी जिसकी वजह से आपको तकरीबा सेवन डेज़ का क्वारंटीन करना पड़ेगा <coughs> सऊदी अरब पहुँचने के बाद और उस क्वारंटीन के दौरान आपको दूसरे दिन और सातवें दिन कोरोना का टेस्ट करना पड़ेगा सातवें दिन कोरोना का टेस्ट अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर आप क्वारंटीन ख़त्म कर सकते हैं और सऊदी अरब पहुंचने के बाद आप एक बूस्टर डोज ले सकते हैं फाइजर एस्ट्रोजेनिका की क्योंकि सऊदी अरब में लग रही हैं बूस्टर ओके राइट सैयद काजमी सलाम सर मेरी एज 43 है और एस्ट्रोजेनिका की फर्स्ट डोज लगी है मैं सेकंड डोज नहीं लगाना चाहता हूँ प्लीज़ बता दें सेकेंड डोज कितने टाइम के बाद लगाऊँ तो सैद साहब आपका कंसर्न बिल्कुल वैलिड है क्योंकि एस्ट्रोजेनिक के साथ क्लॉट्स होते हैं आ, मगर आपको यह समझना चाहिए कि एस्ट्रोजेनिक एक अच्छी वैक्सीन है जिसकी काफ़ी अच्छी एफिकेसी और इफ़ेक्टिवनेस है आ, अब क्लॉट्स के बारे में आपको आगाही तो होनी चाहिए मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप एस्ट्रोजेनिका की वैक्सीन मत लगाएँ अगर आपको पहली डोज़ के बाद एस्ट्राजेनिका की डोज लगाने के बाद कोई सिम्टम्स नहीं हुए तो मोस्ट लाइकली आपको सेकंड डोज के बाद भी सिम्टम्स नहीं होंगे अक्सर देखा गया है उन लोगों को क्लॉट्स होते हैं जो फर्स्ट डोज के बाद उनको सिम्टम्स आ जाते हैं एस्ट्राजेनिका की तो मेरा तो एडवाइस मेरी एडवाइस यही है कि आप डेफिनेटली सेकेंड डोज लगाएं एस्ट्राजेनिका की ताकि आपको इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन मिले कोविड वायरस के ख़िलाफ़ और अगर आप फिर भी कंसर्न हैं क्लॉटिंग uh, के लिए तो सेकेंड डोज लगाने से पहले आप अपना सी बी सी और डी डायमर करा करा लें सी बी सी में आपको प्लेटलेट्स काउंट पता चल जाएंगी और डी डायमर में आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आप एट रिस्क हैं क्लॉट के कि नहीं सर कैंसाइनो लगी है तीन महीने पहले अब मॉडर्ना वैक्सीन लगवाना चाहता हूँ और ट्रैवल फॉर ट्रैवल पर्पज़ तो मोडाना की दो लगेंगी या एक अच्छा सवाल है कंसाइनो फॉर एग्जांपल अभी तो कहीं भी एक्सेप्टेड नहीं है ट्रैवल के लिए तो आपके पास दो ऑप्शन हैं या तो आप वेट करें कंसाइनो वैक्सीन को दूसरे ममालिक में ट्रैवल के लिए एक्सेप्ट होने के लिए या फिर आप दूसरी वैक्सीन लगाएं आ, अगर आप कंसाइनों के बाद कोई और वैक्सीन लगाएंगे तो मेरा ख्याल है आपको दोनों डोजेज़ लगानी पड़ेंगी उसकी क्योंकि इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट वैक्सीन दूसरी ऑप्शन जो वही है कि आप वेट एंड वॉच करें कैंसाइन को एक्सेप्ट करने के लिए मगर उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा जो ऑनस्सी बात है ओके पार्क विलेज फूड थैंक सो मच सर सर वन ऑफ माय फ्रेंड्स टुक वन डोज ऑफ साइनो ही इज़ वन इट बिकॉज ही टेक फाइजर वॉट शुड यू डू सपोज ही अगेन एक uh, सिमिलर uh, थीम पे एक और कन्फ्यूज़न है uh, अच्छा वैलिड सवाल है कि अगर उनके एक दोस्त ने साइनोफॉर्म की uh, एक डोज़ ले ली है मगर वो फाइज़र लेना चाहते हैं ऑब्वियसली फॉर ट्रेवल पर्पसेस या एफिकेसी एफेक्टिवनेस की वजह से तो वो एक डोज़ लें फ़ाइज़र की या दो इस सिनेरियो में आपको मेरे ख्याल से दोनों डोजेज ही लेनी पड़ेगी फाइज़र की मगर प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान गवर्नमेंट अभी कोई और वैक्सीन नहीं लगा ली ऑफिशियली ऑफिशियली दे आर नॉट गिविंग एनी अदर वैक्सीन बट यू कैन गेट अ वैक्सीन इफ़ यू नो द राइट थिंग्स फाइजर रज़ा हमने इटली जाना है कौन सी वैक्सीन लगा लगना वा, लग लगवाएँ सो मिस फाइजर अगर आपको इटली जाना है तो डेफिनेटली आप फाइजर एस्ट्राजेनिका या मॉडर्ना में से एक वैक्सीन लगाएं अगर आप मेरी एडवाइस लें तो फ़ाइजर लगाएं क्योंकि फाइज़र इज़ रेकग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और पाकिस्तान में अभी भी, भी फाइज़र की डोजेज अवेलेबल हैं अगर फाइज़र नहीं है तो एस्ट्राजेनिका लगाएं प्रोवाइडेड यू आर यू एंड योर फैमिली इज अबव फोर्टी ईयर्स ओल्ड चालीस साल से ज़्यादा हैं सनेद, डॉक्टर साहब कैन डोज मदर टेक कोविड नाइन्टीन वैक्सीनेशन फीडिंग द बेबीज एज अराउंड वन एयर जी बिल्कुल जो गाइडेंस है कि आप इमीडिएटली भी यूज़ कर सकते हैं कोविड नाइन्टीन वैक्सीन इफ़ यू आर फीडिंग योर बेबी मगर uh, जो कॉशियस अप्रोच वो ये है कि छः महीने के बाद uh, आप मदर आप, uh, को कोविड वैक्सीन लगा सकते हैं इवन दो शीज़ फीडिंग द बेबी सो सिक्स मंथ्स एक कॉशियस रिकमेंडेशन है मगर जो सी डी सी एडवाइस करते जो इंटरनेशनल गाइडेंस है रिकमेंडेशन तो है ये है कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है वैक्सीन का और मदर मदर mother को वैक्सीन से मदर को अगर वो फीडिंग कर रहे हैं बेबीज़ को मगर मेरी एडवाइस होगी कि सिक्स महीन सिक्स मंथ्स वेट वेट करें और सिक्स महीने बाद आप वैक्सीन लगा सकते हैं आ, उन लोगों को जो जिनको मैंने जवाब नहीं दिया मेरी कोशिश होगी कि मैं आ, उनको पर्सनली मैसेज करूं कमेंट सेक्शन पे आ, इस वीडियो की मैंने एक सेशन करने का मकसद ये है कि कॉमनली जो आज क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है उनके बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कानीली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत बहुत शुक्रिया